नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम खड़े हैं खरड़ स्थित लांड्रा रोड पर, जहां पर समूह यहां के स्थानीय निवासियों और मार्केट की तरफ से एक चार साहेबजादों की सभा के लिए एक लंगर लगाया जा रहा है। आइए इनसे हम वार्तालाप करते हैं। सर, आज आपने यहाँ पे लंगर लगाया है, इसका चार पे चार साहेबजादों की मतलब दिवस पर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? असं साहेबजादों की शहीदी की याद के छेवां साड़ा कन दे है, छे साल हो गए लगाउंदिआं नूं। पहला सुखमनी साहब का पाठ कराया जाता, उसके बाद ब्रैड पकौड़ियों का लंगर लगाया जाता साहेबजादों की याद के। हर साल अगे नूं भी इस तरह ही चलता रहा। सर, आप लाइव इंडिया न्यूज़ द्वारा खरड़वासियों को, शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये शहीदी गुरपुरब से साहबजादों की शहीदी से यह सामने कर रहे हैं कि मार्केट वाले इकट्ठे होकर उन्होंने याद में लंगर लगाने हरेक साल छः साल हो गए चलते हैं और गुरबाणी का कीर्तन पाठ हों हरेक साल। उस तो बाद अरदास तो बाद लंगर चालू कर क्योंकि कई साल तो चलता है। परमात्मा अगर बेनती है कि सारी मार्केट कट्ठा रखे, कट्ठा रखे अगे वास्ते कि लंगर इतने चलता रहे। और शहर वाले बच्चों ये है कि इस लाइन में इस उधर लगन और नशे तो दूर रहन। धन्यवाद। हाँ जी, ये सर्वसाझा प्रोग्राम है, सारे मार्केट वाले इतने ट्रालिया वाले भी है, अपना लक्कड़ का भी मार्केट हैगी है, दरवाजे बनाते हैं, तो वो सारे इकट्ठे मिलकर उपराला किया है जो हर साल साहबजादियों की शहीदी याद करते हुए तो ये प्रोग्राम किया जाता है। इस बीच लंगर लगाया जाता है, सवेरे बाणी का पाठ हों, सुखमनी साहब का जाप किया जाता है, उस तो बाद अरदास की जाती है, तो लंगर सवेर तो ही आरंभ कर दिया जाता है। बाकी सारे रल मिल के प्रोग्राम करते हैं, समूह मार्केट के सारे है वो करते हैं मिलके। ओ दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि आज यहाँ लांड्रा रोड में खरड़ स्थित मार्केट वासियों की तरफ से शहर वासियों ने मिलजुल कर लंगर लगाया गया चार साहबजादों की याद में, और ये लंगर पिछले छः सालों से लगातार जारी है। तो जैसा कि आपने सुना कि लाइव इंडिया न्यूज़ द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की है इन्होंने कि सभी समूह शहरवासियों को, देशवासियों को हर एक त्यौहार में, हर एक दिवस पर बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना चाहिए और नौजवानों को जितना हो सके नशे से दूर रहें और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी की मदद करें, हर किसी की इज्जत करें। तो ताज़ा खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। कैमरामैन मनोज कुमार शर्मा के साथ हरीश कुमार, धन्यवाद।